सो हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने जा रहे हैं निकोटिन पॉइजनिंग कार्डियक पॉइजनस की लिस्ट में ये पहला पॉइजन होता है सो निकोटियाना टबैकम प्लांट का नाम होता है और टोबैको इसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ये निकोटिन जो होता है ये कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड एल्कोलॉइड मटीरियल होता है ठीक है अब ये जो प्लांट है ना निकोटियाना टबैकम इसके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सारे ही पॉइजनस होते हैं सिर्फ इसके राइट सीड्स को छोड़ के बाकी सारे प्लांट के पार्ट्स पॉइजनस होते हैं एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है इसके अंदर निकोटीन या निकोटियानिन ये दो एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं जो कि दोनों ही टॉक्सिक एल्कलॉइड्स होते हैं अब किन तरीक़ों से निकोटीन की पॉइजनिंग हो सकती है तो तीन तरीक़ों से निकोटीन की पॉइजनिंग हो सकती है इंजेशन इन्हेलेशन और लोकल एप्लीकेशन ठीक है अब निकोटीन जब बॉडी में जाता है तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सो so बेसिकली ये क्या करता है ये बाइंड करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ और जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेनली सी में स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होते हैं निकोटेनिक रिसेप्टर्स जिनसे निकोटिन बाइंड करता है इसके अलावा ये बाइंड करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रीनल मेड्यूला में भी जाके सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एड्रीनल मेड्यूला में भी बाइंड करता है और स्मॉल डोजेज़ में क्या करता है स्मॉल डोजेज़ में पीपल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और लास्ट डोजेज़ में ये डायलेशन ऑफ पीपल कराता है इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं इसके तो निकोटिन की पॉइजनिंग होने के बाद दो तरीके से हो सकती है एक्यूट और क्रॉनिक क्या क्या सिम्टम्स आते हैं सो एक्यूट पॉइजनिंग में पहले देखते हैं सबसे पहले बर्निंग इन स्टमक होगा एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया वॉमिटिंग और डायरिया होगा मस्कुलर वीकनेस एंड ट्रेमर्स आएंगे समटाइम्स डेलीरियम एंड कन्वर्जनस बी बढ़ जाएगा और एरिदमियाज होंगे उसकी वजह से डेथ होगी रेस्पिरेटरी फेलियर्स की वजह से ठीक है अब क्रॉनिक अगर पॉइजनिंग हो रही है क्रॉनिक निकोटिन पॉइजनिंग तो ये किस किन लोगों में होती है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हैवी स्मोकर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर जो टोबैको इंडस्ट्री में काम करते हैं टोबैको एक्सट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं ठीक है तो इनमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं क्रॉनिक कफ होता है ब्रोंकाइटिस होता है लेरेंजाइटिस होता है पल्मोनरी एम्फाइसीमा होता है और स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉज है पल्मोनरी एम्फाइसीमा कॉज होने का ठीक है इसके बाद अब इसके फेटल डोज पे आते हैं तो फेटल डोज में 60 से 100 ग्राम ऑफ निकोटीन फेटल होता है और 15 टू 30 ग्राम ऑफ क्रूड टोबैको फेटल डोज में आता है पाँच से पंद्रह मिनट इसका फेटल पीरियड होता है नाउ ट्रीटमेंट क्या देंगे तो गैस्ट्रिक लेवाइस देंगे के एमिनो फोर के साथ होल बावल इरीगेशन करेंगे उसके अलावा इनहेलेशन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं और कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं एरिदम्यास के लिए अब स्पेसिफिक एंटीडोट क्या होता है मीसाइक्लमिन इसका स्पेसिफिक एंटीडोट होता है बट uh, मैंने नेट पे और भी कई सोर्सेज में देखा था तो वो कह रहे थे इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट होता नहीं है बट बुक में दे रखा था सो so मैंने इसको यहाँ मैंशन कर दिया इसको इन्वर्सिन भी बोलते हैं सो निकोटिन पॉइजनिंग की पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स देखते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ टोबैको होगी और लीव्स की भी स्मेल आएगी स्टमक कंटेंट से जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी स्टमक और इंटेस्टाइन की वो कंजेस्टेड होगी और हेमरेजिक होगी सारे ही ऑर्गन्स में कंजेशन हो रखा होगा और एडिमा हो रखा होगा लीगल आस्पेक्ट देखते हैं तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन होती है स्मोकिंग च्यूइंग ऑलोइंग से एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है या फिर जब टोबैको को अल्सर्स पे लगाया जाता है एज अ पोल्टाइस तब भी एक्सीडेंटल uh, पॉइजनिंग हो सकती है या फिर जब इसको एज एन एनेमा यूज किया जाता है तब भी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है अब मेडिकल लीगल आस्पेक्ट में आगे चलते हैं तो होमिसाइडल एंड सुसाइडल पॉइजनिंग बहुत रेयर होती है सोल्जर्स यूज कर सकते हैं मेलिजरिंग के लिए टू अवॉइड देयर ड्यूटी निकोटीन जो होता है ये प्यूट्रीफेक्शन को रेजिस्ट करता है तो इसको हम रिकवर कर सकते हैं विसरा से लॉन्ग टाइम आफ्टर डेथ तो डेथ के काफ़ी दिनों बाद भी इसको विसरा से रिकवर किया जा सकता है सो so, ये था निकोटेन पॉइजनिंग होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ आ गई निकोटेन पॉइजनिंग सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में